लोगों की भलाई के लिए हुक्म जारी करने वाले नेतावां दे वल्लों खुद ही अपने हुक्मां दीआं धज्जियां किवें उड़ाईआं जांदीआं ने इस दी मिसाल वेखण नूं मिली है बठिंडा दे विच। जी हाँ, बठिंडा नगर निगम मेयर की ताजपोशी समय सियासी ते उच्ची पहुँच वाले लोगों ने सैकड़ियां दा नगर निगम दे विच इकट्ठ कीता। इत्थे बस नहीं, रात नूं एक निजी पैलेस दे विच पार्टी भी की गई ते पटाके भी चलाए गए, जिथे वड्डी गिणती दे विच लोगों के पहुंचण दी गल दसी जा रही है, क्योंकि पार्टी पैलेस दे अंदर चल रही सी ते पार्किंग दे विच तकरीबन 40-50 गड्डियां खड़ियां सन। इस बारे जब मीडिया की टीम पैलेस दे गेट ते पहुंची तां भिनक पैंदिआं ही उह अपनी अपनी गड्डियां लै के उत्थों खिसकण लगे। इस बारे जब पुलिस प्रशासन नूं जानकारी दित्ती गई तो SSP ने यह कह के पल्ला छुड़ाया कि मैं हुणे ही इस बारे ड्यूटी लगाउंदा हाँ, पर हैरानी तां तद होई कि जानकारी मिलन तों बाद भी कोई पुलिस मुलाजम मौके ते नहीं पहुंचिया। जबकि इस तो उल्ट जेकर कोई आम बंदा 10 व्यक्तियों तो वादा इकट्ठ कर लैंदा है तो उस ते परचा दर्ज हो जाता है, अते जेकर 8 बजे तो बाद कोई शहर दे विच निकलदा है तो उसका चलान कर दिता जाता है। पर वेखो जनाब, सरकारी पार्टियां ते पुलिस अधिकारियों ने इन्हां नूं पुछना तक जरूरी नहीं समझिया, जबकि SSP बठिंडा नूं इसकी जानकारी दे दिती गई सी। शहर वासियों ने कहा कि यह सब कानून तो आम लोगों ते ही चलाए जाते हैं, पहुंच वाले लोगों को कौन पूछता है। इस बारे गुरप्रीत सिंह मलूका ते साबका विधायक दर्शन सिंह कोटफत्ता ने कहा कि हुक्म जारी करने वाले खुद ही हुक्मां दीआं धज्जियां उड़ा रहे ने ते पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद सुत्ता रहिंदा है। हां जी भाई जी, की कहना चाहोगे, की नाम है ते इत्थे पहुंचे हो, हैना, की चल रहा अंदर? अवतार सिंह नाम है जी, दर्शन दे रहण लाए, 3 PM डेली पार्टी हुंदी है इत्थे। कोई लोग गरीब बंदा कोई दुकान खोलदा उहदी बंद करा दिंदे आ, इन्ना वास्ते खुल्ला जी। हुण टाइम किन्ना कोई है? टाइम देख लो जी तुसीं, 9:30 हो गए, पर इन्ना वास्ते खुल्ला जी। किहदी टाइम पार्टी किहदी चल रही है? पार्टी 3 PM दी चल रही। नहीं कोई लीडर है इधर, कौन है? लीडर हो सकदे, लीडर ही आ सकदे इस वेले, इस तो होर तो कोई आम बंदा तो आ नहीं सकदा जी। किन्ने के जने अंदर? अंदर देख लो तुसीं, गड्डियां देखो किन्नियां आउणगियां। एक गड्डी च मान लो 7-सीटर है, उस च 4 तो होणगे, 50 गड्डियां भी होंगी देख लो। अच्छा, की कहना चाहोगे सरकार नूं? सरकार नूं कहना चाहोगे ज्यादा खोल दो जां बंद कर दो, जो भी ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 8 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਢਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੈਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹੈ? ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MC ਆ ਮੌਜੂਦਾ देखो सरकार है जी इस वे सूबे चल रही है, यदा किसी पास भी कोई ध्यान नहीं, कला करोने वाले पास नहीं, किसी पास भी तुम निगाह मार लो, हर वर्ग दुखी है। जी सरकार मंडिया के बारदाने का इंतजाम नहीं कर सकती, जी बहुत छोटी गल है, तो वह लोगों की सेहत का, सिक्ख्या का, होर संभाल का, रुजगार का की कर सकती है। इस करके झूठ बोलन तो सिवाए, लोगों सब जवाब दिखाने तो सिवाए, ये सरकार को होर कोई काम नहीं, और कोई भलाई की आस किसी भी वर्ग में इस निकम्मी सरकार तो नहीं रखनी चाहिए। पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी किए कि भी 10 बंद तो वो तो इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने एक थान कट्ठे होए तो उन्होंने मामला दर्ज किया, पार्टी की बहुत वड्डी, तो उससे कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं, कोई नहीं पहुँचा जी। बिल्कुल जी, यही तो गलत गल्लां ने, जिन्हां ने ये चीज़ देखनी होंदी है कि आप कोई ऑर्डर आप दिते ने उन्हां दी इंप्लीमेंटेशन करनी होंदी है, जे आप आप ही उन्हां दी उलंघना करते हैं फिर एदू माड़ी कोई गल नहीं, क्योंकि कानून नू ये नहीं है कि अपने वास्ते होर ते दूसरियां वास्ते होर, जिहड़ी कल कीती है असीं उहदी निंदा भी करते हैं और असीं मंग भी करते हैं कि उत्थे भी जिहड़ा कानून उस तरह लागू होना चाहिए और उन्हां ते भी कार्रवाई करनी चाहिए है, जे तुसीं सही मायने दे विच ये चीज़ चाहुंदे हैं कि लागू होवे, अदरवाइज़ तो फिर पक्षपात वाली गल है। पर इस समय जिहड़ा निरा जिहड़ा है पक्षपात ही चल रहा है, किसी के नाल कोई इंसाफ नहीं, ना किसी दफ्तर मिलता, ना कि होर किसी मिलता, ना किसी की सुनवाई होंगी है, पूरी तरह इस सूबे दे विच राजकता है, और जिथे अफसरशाही आपदियां मनमानियां करी जाती है, पुलिस आपदियां मनमानियां करी जाती है, उत्थे मैं समझना कि बहुत
बहुत वड्डी पद्धर ते जिहड़ी है लुट खो चोर बाजारी रिश्वतखोरी है। जिवें 8 बजे लॉकडाउन आ जाता है पर 9 बजे तक SSP नूं फोन किए जा रहे थे पर उत्थे कोई अधिकारी नहीं पहुंचा पड़ता जी। हाँ बिल्कुल गलत गल है जी, उत्थे आपदी ड्यूटी इन्हां नूं दिवाउणी चाहीदी सी जदों सरकार दे ऑर्डर है, फिर उन्हां नूं पहले तो मंजूरी नहीं देनी चाहीदी सी भी नहीं किसी नूं कोई आग्या नहीं दित्ती जा सकती, और जे किसी ने किया कानून नूं अच लिया फिर उहदे ते कार्रवाई करन, जे सही मायने दे विच इमानदारी नाल अपनी ड्यूटी करन लई पाबंद है तो फिर उहदे लई वचनबद्ध भी होण। बिल्कुल जी, पंजाब सरकार वालों गरीब लोगों के इलाज लिए की प्रबंध किए गए जी? उहदा भी कोई नहीं किया गया जी, आप देखते ही हाँ। पहली गल तो हुण जिवें अज लेटेस्ट जिहड़ी हैगी है ऑक्सीजन, तकरीबन ऑक्सीजन की घाट है सारे हस्पतालों च, ऑक्सीजन तो बिना हर 3 मिनटां च बंदा मर जाता जी ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले इस करके, और जिहड़ा बाकी दीआं किटां है बाकी दे प्रबंध है वो सारे नकारात्मक संबंध प्रबंध है जिदे करके पंजाब के लोगों ये तो अपने आप ही बेचारे चेतन रह के तो बचने की कोशिश करनी चाहिए है, क्योंकि पंजाब सरकार तो असी कोई उम्मीद नहीं करते। पंजाब सरकार वालों इस लैके सख्त हदायत दी गई हैं भी 10 व्यक्तियों तो वध कोई इकट्ठे ना हो। बिल्कुल जे कि 20 बंदे इकट्ठे हो उन्होंने पता दर्ज होगा। बिल्कुल पर जो मेयर की चोन हुई हैगी जी बहुत माड़ी गल है, इन्होंने आप ही एक कानून बनाया और आप ही इनू तोड़ी जाते हैं, और मैं हमने सवेरे TV पर भी देख रहा सवेरे मतलब बहुत ज़्यादा नुकस जो उन्होंने दुरवरतों की है जी बहुत मंदभागी है बहुत माड़ी है। एडे वे कट्ठ जे एक बंदा भी कोरोना पॉजिटिव होया तो वह सारे बंदे मांझे जाएंगे, इस करके ये नहीं करना चाहिए। तो मैं दोबारा तो जिहड़ी है सरकार की इस गल च भी निंदा करदा कि वह किते तां आ जिते आ पै गए उत्थे उन्होंने कोई परवाह नहीं, जिते बेचारे लोग आ लोगों को फट फट के उन्होंने चलान करी जाते हैं, ये बहुत माड़ी गल। बठिंडा तो नायब सिंह सिद्धू दी रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसीं वेखते रहो अजीत वैब TV। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब TV। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल TV दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई-पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।